नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके दिल और दिमाग को ताजगी से भर देगी। मैं हूं सैंदीप और आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर करा रहा हूं जो एक सपने जैसा फील होता है। यह जगह न केवल देखने में खूबसूरत है बल्कि यहाँ की हर चीज में एक जादू है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हम जा रहे हैं टैस्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक आइलैंड, एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने के लिए जिसे बे ऑफ फायर्स कहते हैं। यह जगह अपने अनोखे नाम और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। चिंता मत करो, वहां कोई एक्चुअल आग नहीं है। इस नाम के पीछे की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी यह जगह खुद। यह नाम उन अमेजिंग कलर्स से आया है जो आपको इस ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन पर दिखाई देंगे। व्हाइट सैंड बीचेस, क्लियर ब्लू वाटर और यहाँ की हर चीज में एक अनोखी चमक है जो आपको अपनी ओर खींच लेगी। और अब तक देखे गए सबसे इनक्रेडिबल ऑरेंज रॉक्स को देखकर अमेज्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। ये रॉक्स इतने वाइब्रेंट और स्टनिंग हैं कि आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर खड़े हैं। दिस इज़न्ट जस्ट अ प्लेस टू सी, इट्स अ प्लेस टू फील। यहाँ की हर चीज में एक गहराई है, एक एसेंस है जो आपको महसूस करनी होगी। इमेजिन करो अपने स्किन पर सन की वार्म्थ, जैसे ही आप यहाँ की धूप में खड़े होते हैं आपको एक अद्भुत सुकून का एहसास होगा। किनारे पर वेव्स के क्रैशिंग की आवाज, ये साउंड आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी जहां सिर्फ आप और नेचर होंगे। और सॉल्टी एयर की स्मेल, ये स्मेल आपको समुद्र की गहराइयों का एहसास कराएगी। द बे ऑफ फायर्स रिलैक्स करने, एक्सप्लोर करने और नेचर्स ब्यूटी से कनेक्ट होने की जगह है। यहां आकर आप अपने सारे वरीज भूल जाएंगे और सिर्फ इस जगह की खूबसूरती में खो जाएंगे। यहां आप कई एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं जैसे कि स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग और हाइकिंग। हर एक्टिविटी में आपको एक नया एडवेंचर मिलेगा। यहाँ की वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा भी बहुत यूनिक है। आप यहाँ रेयर बर्ड्स और प्लांट्स देख सकते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और जब दिन ढलता है तो यहाँ का सनसेट एक अलग ही मैजिक क्रिएट करता है। स्काई के कलर्स और समुद्र की लहरें मिलकर एक मेस्मराइजिंग व्यू बनाते हैं। रात में आप बीच पर कैंप फायर का मजा ले सकते हैं जहाँ आप स्टार्स के नीचे बैठकर अपनी जर्नी के बारे में सोच सकते हैं। कैंपफायर के आसपास बैठकर स्टोरीज शेयर करना और नए फ्रेंड्स बनाना भी एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। और सुबह की शुरुआत यहाँ की फ्रेश एयर और चर्पिंग बर्ड्स के साथ होती है जो आपको एक नई एनर्जी से भर देती है। आप हिडन कोव्स और बीचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहाँ आपको पीस और ट्रैंक्विलिटी का एहसास होगा। यहाँ की लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस भी बहुत रिच है। आप यहाँ के लोगों से मिलकर उनकी स्टोरीज और ट्रेडिशंस के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत जर्नी पर निकलते हैं और बे ऑफ फायर्स की हर खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं। रेडी, लेट्स गो। द बे ऑफ फायर्स के बारे में सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वह है सैंड। यह इतना वाइट है, यह ऑलमोस्ट ग्लोज करता है। यह प्योर फाइन सैंड पूरे कोस्ट लाइन पर मीलों तक फैला हुआ है। इस रेत पर नंगे पैर चलना बादल पर चलने जैसा है। ब्लू वाटर और ऑरेंज रॉक्स के कंट्रास्ट में व्हाइट सैंड ब्रेथटेकिंग है। ये ऐसा है जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपना ब्रश लिया हो और एक मास्टरपीस पेंट किया हो। अब उन ऑरेंज रॉक्स के बारे में बात करते हैं। दे आर एवरीवेयर। ये जायंट ग्रेनाइट बोल्डर्स एक वाइब्रेंट ऑरेंज लाइकन से ढके हुए हैं। लाइकन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रॉक्स पर उगता है और यहाँ पाया जाने वाला काइंड यह इनक्रेडिबल कलर क्रिएट करता है। ऑरेंज रॉक्स, व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर एक ऐसा कलर पैलेट बनाते हैं जिसका वर्णन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यह ऐसी चीज है जिसे आपको बिलीव करने के लिए अपनी आंखों से देखना होगा। द बे ऑफ फायर्स के मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स में से एक है बिनालोंग बे। यह बे अपने नेचुरल ब्यूटी और सरीन एनवायरमेंट के लिए जाना जाता है। यह बे अपने परफेक्टली कर्व्ड बीच और क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए फेमस है। यहाँ की सैंड इतनी व्हाइट और सॉफ्ट है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी ड्रीमलैंड में आ गए हो। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप सिर्फ सन को सोक अप करते हुए और व्यू एंजॉय करते हुए घंटों बिता सकते हैं। यहाँ की ट्रैंक्विलिटी और पीस आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है जहाँ आप अपनी सारी वरीज भूल जाते हैं। बिनालोंग बे स्विम करने, कायक करने या पैडल बोर्ड करने के लिए भी एक बढ़िया जगह है। यहाँ के काम वाटर्स और जेंटल वेव्स वाटर स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट है, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। पानी इतना क्लियर है कि आपको शोर से दूर होने पर भी बॉटम दिखाई दे सकता है। यह क्लैरिटी और प्यूरिटी इस जगह को और भी खास बनाती है।
जहां आप नेचर के साथ एक गहरा कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। शाम के समय जब सूरज ढलता है तो आसमान के रंग और भी मेस्मराइजिंग हो जाते हैं। यह एक ऐसा मोमेंट है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। बिनालोंग बे सिर्फ कपल्स या सोलो ट्रैवलर्स के लिए ही नहीं बल्कि फैमिलीज के लिए भी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ बच्चे बीच पर खेल सकते हैं और फैमिलीज एक साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। अगर आप यहाँ आए तो लोकल कैफे में जाकर फ्रेश सी फूड का स्वाद लेना न भूलें। यहाँ के डिशेस में लोकल फ्लेवर्स का एक अलग ही चार्म है। ट्वाइलाइट के समय बीच पर वॉक करना एक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। दोस्तों के साथ यह मोमेंट्स और भी स्पेशल बन जाते हैं। सेक्शन 5, द गार्डन्स वेयर नेचर्स आर्ट ब्लूम्स। द बे ऑफ फायर्स में एक और मस्त सी स्पॉट है जिसे द गार्डन्स कहा जाता है। यह एरिया अपने यूनिक रॉक फॉर्मेशंस के लिए जाना जाता है जिन्हें लाखों वर्षों में विंड और वेव्स द्वारा स्कल्प्ट किया गया है। द गार्डन से होकर गुजरना एक अलग ही दुनिया में कदम रखने जैसा है। चट्टाने नेचुरल स्कल्पचर्स की तरह है, हर एक अलग और आखिरी से ज्यादा अमेजिंग है। सेक्शन 6, अ हेवन फॉर बर्ड वॉचर्स एंड फोटोग्राफर्स। दिस सेक्शन इज डेडिकेटेड टू ऑल दोज हु फाइंड जॉय इन द सेरेनिटी ऑफ नेचर एंड द थ्रिल ऑफ कैप्चरिंग इट्स एसेंस थ्रू अ लेंस। द बे ऑफ फायर्स नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है, विद इट्स प्रिस्टीन बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स एंड यूनिक रॉक फॉर्मेशंस। इट ऑफर्स अ परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर बोथ रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। बर्ड वॉचर्स यहाँ पाए जाने वाले बर्ड्स की वैरायटी को देखकर खुश हो जाएंगे। फ्रॉम द रेयरेस्ट स्पीसीज टू द मोस्ट कॉमन वंस, द डाइवर्सिटी ऑफ एवियन लाइफ हियर इज ट्रूली रिमार्केबल। ऊपर से उड़ते हुए सी बर्ड से लेकर पेड़ों से फुदकते हुए कलरफुल पैरट्स तक, यहाँ हमेशा देखने के लिए कुछ न कुछ रहता है। द साइट ऑफ दीज बर्ड्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज अ ट्रीट फॉर द आईज एंड अ बाम फॉर द सोल। फोटोग्राफर्स, गेट योर कैमरास रेडी। The Bay of Fires offers endless opportunities to capture the perfect shot. Whether it's the golden hues of a sunrise, the vibrant colors of the flora and fauna, or the dramatic landscapes that stretch as far as the eye can see, the Bay of Fires is a dream location here. For those who love to explore and document the beauty of the natural world, this place is nothing short of a dream come true. Apne stunning landscapes, vibrant colors, or abundant wildlife ke saath, आप अपने मेमोरी कार्ड्स को कुछ ही समय में भर देंगे। एवरी कॉर्नर ऑफ दिस हेवन ऑफर्स अ न्यू पर्सपेक्टिव, अ न्यू स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड थ्रू योर लेंस। सो वेदर यू आर अ सीजन्ड फोटोग्राफर और अ बडिंग बर्ड वॉचर, द बे ऑफ फायर्स प्रॉमिसेस एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दैट विल लीव यू यर्निंग फॉर मोर। सेक्शन 7, बियॉन्ड द लेंस, एक्सपीरियंसिंग द बे ऑफ फायर्स। द बे ऑफ फायर सिर्फ एक प्रिटी पिक्चर से बरकर है। यह नेचर से कनेक्ट होने, रिलैक्स और रिचार्ज करने और ऐसी यादें बनाने की जगह है जो जीवन भर रहेंगी। चाहे आप क्रिस्टल क्लियर वाटर में तैर रहे हो, रॉक फॉर्मेशंस एक्सप्लोर कर रहे हो या सिंपली बीच पर रिलैक्स कर रहे हो, द बे ऑफ फायर्स एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे। सेक्शन 8, Planning your journey to the edge of the world. The Bay of Fires पहुंचना आपके सेंगाग से ज्यादा आसान है। आप टैस्मेनिया में लॉन्सेस्टन या होबर्ट के लिए फ्लाइट ले सकते हैं और वहां से यह कोस्ट के साथ बस एक सीनिक ड्राइव है। द बे ऑफ फायर्स के पास बहुत सारे अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं, कैंपसाइट से लेकर लग्जरी लॉजेस तक। आपका बजट या ट्रैवल स्टाइल चाहे जो भी हो, आपको ठहरने के लिए परफेक्ट प्लेस मिल ही जाएगा। सेक्शन 9, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, लीविंग नो ट्रेस ऑन पैराडाइज। द बे ऑफ फायर्स एक प्रीशियस और फ्रेजल एनवायरनमेंट है। व्हेन यू विजिट, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर बनना और अपनी प्रेजेंस का कोई निशान नहीं छोड़ना इंपॉर्टेंट है। आप जो कुछ भी पैक करते हैं उसे पैक आउट करें, मार्क्ड ट्रेल्स पर रहें और वाइल्ड लाइफ का सम्मान करें। रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करके हम सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस खूबसूरत जगह को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 10, द बे ऑफ फायर्स, एन अनफॉरगेटेबल टैस्मेनियन स्टोरी। द बे ऑफ फायर्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन से बढ़ाकर है, यह एक एक्सपीरियंस है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप एवरीडे लाइफ की हसल एंड बसल से बच सकते हैं और ब्यूटी ऑफ नेचर के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं,
द बे ऑफ फायर्स की अपनी ट्रिप की प्लानिंग आज ही शुरू करें और अपने लिए टैस्मेनिया के जादू को खोजें।